हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मज़े में होंगे। और अभी का सीन इस तरह से है कि मैं नहा धुला के हो गई हूँ फ्रेश, और मौसम भी बहुत अच्छा किया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, इधर गरम रहा ना, इसको ठंडा होने के लिए रखी थी, और देखो ये क्या किया, ऐसे करता है लड़का। कोई बात नहीं, साफ कर दे रही हूँ। चलो अपना दवा पियो पहले, लो। लग रहा है और ही नहीं है, कौन चम्मच? नहीं, एक ही चम्मच डॉक्टर बोला है ना। वेरी गुड। टाइगर कर रहा है पढ़ाई और मैं कर रही हूँ जा रही हूँ आलू काटने। आलू की टाइगर बोला आलू की भुजिया बनाने के लिए अपने लिए, तो उसके लिए आलू की भुजिया बनाती हूँ। अच्छे से बैठ कर खाओ। देखो महाराजा कैसे खा रहे हैं खाना। हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आज अनंग पार्क आए। हेलो एवरीवन, तो आज मैं टाइगर को लेकर पार्क आई हुई हूँ। काफ़ी दिनों से आए नहीं थे, तो क्या हुआ था ना कि परसों टाइगर भाग गया था घर से घूमने के चक्कर में। तो वहाँ पे कुछ आंटियाँ मुझे बोली कि थोड़ा बच्चे को घुमाया करो, तो मैंने सोचा कि चलो आज घुमा देती हूँ। तो अभी देख लो, खेल रहा, बहुत मस्ती कर रहा है टाइगर, और देख सकते हो इस तरह से है। बरसात आ गई तो कितने हरे भरे सब दिख रहे हैं। हाँ देखो टाइगर कितना मस्ती कर रहा है। अरे गीला है, गीला है, ये गंदा है, तुम्हें मत आना, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे, वहाँ पे वो जो लड़कियाँ हैं ना, वहाँ पे, वहाँ पे चलो, ये गंदा है, वो लड़कियां है ना, वहाँ पे चलो। टाइगर चलो, देखो शाम हो गई ना, कितना मोटा मोटा मच्छर काट रहे हैं, चलो भी। टाइगर जाने का बिल्कुल नहीं कर रहे, देखो शाम हो गई है, और जाके दिया भी जलाना, चलो उधर नहीं जाने का बेटू। तो टाइगर अभी जिद कर रहा है मंदिर जाने को, तो अभी मैं इसको मंदिर लेके जा रही हूँ। देखो हाथ पकड़ के खींच रहा है, जल्दी आओ प्रणाम करके। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटू, चलो। एक भैया के यहाँ पे हो गया था शराब पी के, देख रहे लोग अभी भी हैं वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा लगता है नशे में थे, और उनका एक्सीडेंट अपने आप बाइक से गिर गए थे। मैं हम लोग तो डर गए थे, है ना टाइगर? हाँ तो ठीक है, वो बस चोट उट कहीं पे नहीं आई है। हे गाइस, तो आ गए हैं हम घर, और बहुत तेज की गर्मी लगी है सच में, देख रहे हो। और अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने, क्योंकि पहले हाथ धोकर आओ, इसके बाद खाना, ठीक है? मैं अभी खोल कर रखती हूँ, साबुन से धोना। और कहाँ दरवाजा बंद करे हो, जाओगे आपसे परी के घर तरफ, किसी बच्चे के साथ खेलोगे? तुम्हें हाथ पर तुम्हारा बांध के रखूंगी अब से, तुम्हें ना स्कूल भेजी, लेकिन क्या करूं मैं, इतनी प्रॉब्लम चल रही, वरना ये तुम घर में रहते कभी नहीं। क्या पूछ रही हूं, मुंह बंद करो, चुप कहां रहे हो, क्या पूछ रही हूं, चल इधर आके सॉरी बोल, चल चल चल, इधर आओ, इधर आओ, इधर आके कान पकड़ के, चलो कान पकड़ के, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ, चलो और करोगे बदमाशी परी के साथ, चलो पढ़ाई करने चलो। तो 10 बजे रात तक जगे रखते हो ना, जब 10 बजे रात तक एक ही पढ़ाई करते रहना, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा आज तुम्हें। चलो इधर आओ, उधर चलो, देख लिए ना, अभी पार गया था ना, पार गया था ना, परी को मारा भी नहीं, लेकिन तुम्हारे ही नाम आया ना, क्योंकि तुम रहते हो तो परी को मारते रहते हो। बोलो क्या पूछ रही मम्मा, हाँ मारे थे क्या परी को ना?
किसी दिन? सच्ची सच्ची बोलो बेटा, किसी दिन मारे थे क्या? कब? सही से बैठो गाइस। तो मैं कल रात में पूरी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, नहीं रख पाई, और वीडियो एंड भी नहीं करी। तो अभी देख रहे, दरवाज़ा बंद करके इधर उधर, टाइगर बहुत परेशान कर रहा था, खटखट आ रहा था। और मेरे हस्बैंड भी आज घरे में है, दुकान नहीं गए हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं हम लोग अपने फूफा बुआ और फूफा से पैसा लिए हैं, तो उनको पैसा वापस करना है। तो अभी घर में मेरे हस्बैंड के पास पैसा नहीं है, तो मुझे चिल्ला रहे थे कि मैं अर्जुन को दी थी ना पैसा, तो अर्जुन वापस नहीं कर रहा है। अर्जुन ने मेरा भाई लगता है रिश्ते में, तो वापस नहीं कर रहा पैसा। तो फिर मैं सोची क्या करूं, अब तो मैं रिकॉर्डिंग करके रखती हूँ उसका बात। तो फिर मैं वही सुन रही थी, तो सुनते उसका रिकॉर्डिंग सुनते वक्त मेरे हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड जो बात किए थे, उन लोग का भी रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तो उससे मूड एकदम और ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा, सच में बता रही हूँ। और मतलब कहते हैं ना, जख्म फिर से ताज़ा हो गया, वही हो गया। तो मतलब कुछ रिकॉर्डिंग, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डिंग है, 15-20 तो रिकॉर्डिंग होंगे, वो भी आधे घंटे का, 1.5 घंटे का, 20 मिनट, 25 मिनट, ऐसे करके। तो मैं 2-3 रिकॉर्डिंग सुन रही थी, कैसे वो लोग अपने एक दूसरे का से बात करते थे, कितने अच्छे से। मेरे हस्बैंड काम करते रहते थे, गाड़ी बनाते रहते थे, बाइक वगैरह सामान देते रहते थे ग्राहक लोग को, तो उस टाइम भी उससे बात करते थे। और जबकि मैं कॉल करती हूँ आज भी, तो बोलते मैं बिजी हूँ, भी फ़ोन रखो, बाद में बात करता हूँ। मतलब वो मुश्किल से कभी भी हम लोग 1 मिनट या आधे मिनट से तो बात ही नहीं किए होंगे। तो वही सबको सोचती हूँ यार, कि पत्नी होना उतनी अच्छी, मतलब पत्नी से तो अच्छा एक प्रेमिका होना। छोड़ो, खैर ऐसे एक बात बोलूँ मैं, बहुत मतलब उस तरीके, क्योंकि मतलब जिसको चाहूँ उसको अच्छे से, वरना फिर सच बोलूँ तो ये फीलिंग, ये सब प्यार व्यार, ये तो कब का मर चुका है, जब से इन लोग के बारे में पता चला, इन लोग की प्रेम कहानी खुलकर सबके सामने आई। आज रिकॉर्डिंग में सुन रही थी, मेरे बारे में इतना बुरा भला बोल रहे थे मेरे हस्बैंड, उसके सामने, उस लड़की के सामने, उस औरत के सामने, जो जिसका खुद का इज्जत नहीं है, उसका हस्बैंड उसको छोड़ दिया था, उसको डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि उसका कईयों लड़कों के साथ अफेयर था, और बहुत ही गिरी हुई किस्म की औरत थी। उससे मेरे हस्बैंड चक्कर था उनसे, क्योंकि वो मोटी थी, चिकनी थी, क्या बोले, थोड़ी इसलिए मेरे हस्बैंड उसको, मतलब पता नहीं, लेकिन बातों से तो लगता है कि उससे सच में बहुत प्यार करते थे। क्योंकि उसके सामने मेरी इतनी सारी बुराई करना, मतलब पूछो मत, मेरे मम्मी पापा सबका। तो मैं जानती हूँ कि हाँ, उससे बहुत प्यार करते थे ये। खैर आज रिकॉर्डिंग सुन के फिर से जख्म ताज़ा हो गया। और सच बोलूँ तो अभी इतना ज़्यादा टेंशन में जी रही हूँ ना, मेरे जगह में और कोई होता ना तो पास कब का मर गई होती, कब का। लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ इस उम्मीद में, क्योंकि मेरा एक बच्चा है, उसका भविष्य देखना है। मैं अपने बारे में उतना नहीं सोचती हूँ जितना मैं अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ। लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जिसके साथ जो गुजरता है वही जानेगा। मैं सच में, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, सच बोलूँ तो मैं खुद में अच्छा नहीं चाहिए अपने साथ होना, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के पीछे पागल थी, और वो उस औरत के पीछे पागल था जो इसका सिर्फ पैसा खाना चाहती थी। आज इसको अच्छे से इसका पैसा खा के इसको छोड़ दी, इसको जब ये कंगाल हो गया तो इसको छोड़ दी। लेकिन मैं साथ तब भी थी और आज भी हूँ और रहूँगी, क्योंकि मेरे माँ बाप के संस्कार जो है मुझ में, उतनी घटिया जैसे जो घटिया औरत है ना, उस तरीके से तो मेरे बिल्कुल सोच भी नहीं है। एवरीवन, सच में मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि टाइगर का एडमिशन भी करा चुके हैं, पैसा दिए नहीं है, बुक्स नहीं खरीदे हैं, अभी उसका ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं भरा है। मेरे फूफा लोग से, मेरे बुआ लोग से पैसा लिए थे, उन लोग भी चिल्ला रहे हैं। अरे बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं। तो दरवाजे खटखटा रहे हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।